ये रायपुर शहर है और इस शहर में हर किसी की कुछ ना कुछ स्टोरी है और कुछ हमारी भी। मैं बचपन से कार्स का बहुत बड़ा शौकीन रहा हूँ। मैं बचपन में हमेशा सोचा करता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो कार्स को ड्रिफ्ट करके चलाया करूंगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ। तो बात ऐसी है, मैं मिला एक कमाल के व्यक्ति से, तो मैं उनसे पहले आपको मिलाता हूँ, फिर थोड़ी हम बातें करते हैं। उठा उसके बाद फिर हे गाइस, इट्स मी अविनाश खजूर और मैं एक ब्लॉगर हूँ। मेरा भी एक चैनल है अविनाश खजूर के नाम से और मैं पिछले एक साल से ज़्यादा ब्लॉग कर रहा हूँ। मैंने 365 डेज पे 365 ब्लॉग्स कंप्लीट कर रखे हैं और अभी दो साल कंटिन्यू होने वाले हैं। डेली ब्लॉग कर रहा हूँ, लाइफस्टाइल ब्लॉग। यहाँ से शुरुआत होती है हमारी कहानी की। अविनाश जी, आप मुझे कोई बॉम्ब सी जगह लेके जा रहे हैं। मतलब वो बॉम्ब सी जगह मैं पहले गया हूँ, लेकिन अविनाश जी आपको लगता है कि वो उसे रेस करेंगे और रेस के मामले में अविनाश जी और मैं मतलब नहीं कह सकता, लेकिन हम कुछ ही रहे। अभी ऐसा है कि हम दोनों में हो गई है बहस भसी। अभी एक्चुअली हम लोग रेस करने वाले हैं अपनी अपनी गाड़ी से, लेकिन हमारी गाड़ी ये नहीं होने वाली है, हमारी गाड़ी कुछ और होने वाली है, वो सरप्राइज है, आगे देखिए। अभी तो तो अविनाश भी ऐसे मेरी बहसा बहसी ऐसी बहसा बहसी हो गई है और हम करने वाले रेस। मतलब ये अविनाश भी की गाड़ी है, ये हमारी मशीन है। तो अभी जो हम रेस करने वाले हैं ना, वो लाइक मैं बस इतना ही बोलूँगा। तो मैं पहले आप लोग को हमारी गाड़ी दिखा देता हूँ, जिससे अविनाश भी और मेरी रेस होने वाली है, उसके बाद फिर हम थोड़ी और बातें करते हैं। ऐसी गाड़ी आप आज तक आपने देखा ही नहीं होगा। बता दो कौन सी गाड़ी अटकती है यहाँ। कोई अटकती नहीं, सब सब चलती है ना। जनाब का नाम आकाश पांडे। तो आकाश भैया बता रहे हैं कि सब गाड़ी अच्छी चलती है, कोई गाड़ी अटकती नहीं है। अगर अटकी तो आकाश भैया है। मैंने सारा ट्रैक भैया को जीतने दिया और लास्ट में मैं मतलब समझ रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो ओवरटेक किया ना वो बहुत ही खतरनाक था, एकदम प्रो वाला था, बहुत ही मजा आया और ऐसा लग रहा है कि हम फिर आएंगे, दो चार को लेकर के आएंगे। अगली बार तो फिर मतलब अगली बार तो फिर दो दो कैमरा, कई बार कंफ्यूज आता कि बोलना किस साइड है। यहाँ रेस करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जैसा मैं बचपन में सोचा करता था जिस तरह से मैं अपनी गाड़ी को चलाया करूंगा, लाइक उस तरह से मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ियों को चलाया। पार्किंग में खड़े थे और हमारे भाई हमारे पास आए और हमारे लिए कुछ लेकर के आए, तो ये खुशी है। अगर आप खुश होना चाहते हैं तो ज़रूर आए और इनसे ज़रूर मिलें। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर अविनाश भैया का चैनल देख रहे हैं तो आप वहाँ पे ज़रूर बताएं कि आप इनके चैनल देख कर के आए। अगर आप वो बताते हैं तो फिर देख रहे हैं आप। चलो अच्छा लगा, फिर आना। ठीक है ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को आज का दिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा और ये कहानी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा और हम मिलते हैं। हम लोगों को बहुत मजा आया। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करें। हाँ, वीडियो बना लेते हैं दो लैप का। ठीक है आराम आराम चला के। बन रहा है ना भैया।